बाबा जी के सभी प्रिय भक्तों को जय श्री राम। आज बाबा जी का हम एक नया अद्भुत चमत्कार बताएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। मंदिर में प्रतिष्ठापन के साथ महाराज जी ने गांव में हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन से एक माह का मेला आयोजित किए जाने की भी व्यवस्था कर दी। इस मेले में कई कोस दूर से बसे व्यापारी और गांव वाले खरीद हेतु आने लगे, जिससे गांव में सुख समृद्धि आने लगी। जनता के मनोरंजन हेतु मेले में खेल कूद, लाठी तलवार के कर्तव्य, झूले आदि भी आयोजित होने लगे। परंतु बाबा जी स्वयं इस मेले में कभी नहीं जाते थे। एक बार गांव वालों की जिद पर गए भी तो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर, और बाबा जी बिना किसी सहारे के सारे उबड़ खाबड़ रास्तों से भरे मेला क्षेत्र का चक्कर लगाकर वापिस चले आए। नैन बिन देखा, आंखें बंद हो चाहे खुली, बाबा जी के लिए एक ही बात थी। महाराज जी की आज्ञा थी कि मेले में कोई चोरी नहीं करेगा, दुकानों में कोई ताला नहीं लगाएगा रात को भी। एक महीने के इस मेले में प्रतिदिन सैकड़ों की भीड़ में कभी कोई चोरी चपाटी नहीं होती थी। रात में भी सब सामान यूं ही पड़ा रहता था। फिर भी एक दिन एक व्यक्ति लालच में एक बड़ा तरबूज उठा ले गया एक दुकान से बिना बताए। परंतु बाबा जी से यह चोरी कहाँ छिप सकती थी। गांव से पटरी पार जाते हुए चोर के पाव रेल की पटरी में ही चिपक गए। लाख प्रयास करने पर भी वह अपने को मुक्त ना कर सका। वह व्यक्ति तब बहुत घबरा गया। इधर गाड़ी आने का भी समय हो चला था। अब तो वह बहुत दीन भाव से बाबा जी से क्षमा याचना करने लगा। दया निधान ने दीन पुकार सुनकर कुछ आदमी यह संदेश लेकर भेजे कि अब पूरा तरबूज अकेले वहीं पर खाओ और वादा करो कि आगे चोरी नहीं करोगे। मरता क्या ना करता, उसने बाबा जी द्वारा भेजे आदमियों के सामने ही पूरा तरबूज किसी तरह खा लिया और चोरी ना करने का वादा किया। तभी एकाएक उसके पाव पटरी से छूट गए। शायद अन्य लोगों को भी सबक पढ़ाने हेतु यह लीला की हो महाराज जी ने। जय श्री राम।